नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया, जहां उनके साथ विधायक अमित विज भी सम्मिलित रहे, जहां विधायक द्वारा उनके नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर गगन भास्कर को सम्मिलित करवाए गए। विधायक अमित ने बातचीत करने पर यह स्पष्टता से कहा कि पूर्ण बहुमत से उनकी ही सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस से बागी हुए कार्यकर्ताओं और नेताओं के बारे पूछने पर उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को देखकर ही मैदान में उतारा गया है जो जीत सके। जो रह गए हैं वो भी पार्टी के वर्कर हैं, उन्हें भी दरकिनारे नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें कहीं ना कहीं स्थान दिया जाएगा। जिन्हें भी कैंडिडेट्स है सारे नॉन फेसिस ने जी, कोरोना च भी इन्होंने काम करके जदों साडे शहर नूं लोड सी दुख वाले और अग्गे आके इन्होंने काम किया। जो देखो जिन्ना क मैनू हुण कैंडीडेट्स तो बाद पता चलता मैनू लगता कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस च नहीं कह रहा, मैनू लगता कि साडा मैक्सिमम वार्ड्स विच मेरे कैंडीडेट्स भी ओवर कॉन्फिडेंस ना होन, असी इलैक्शन लड़ के जितना, पर मैनू मैक्सिमम वार्ड्स च ते मुकाबला ही नहीं लग रहा, कई वार्डां च जिहड़ा मुकाबला रहेगा मेन बीजेपी नाल रहेगा। जो वेलफेयर स्कीम्स हैं आपने देखा होगा हमने जनसेवा कैंप्स लगाए थे, तो वेलफेयर स्कीम्स मुझे लगता है एक बेसिक हक है जो लोगों को मिलना चाहिए, और मैं जरूर लोगों को ये जरूर विश्वास दिलाऊंगा कि जैसे एक एक दिन में हमने पेंशन्स और ये सारी चीज़ें लगाई हैं, आप इसी टीम जो आप जिसको कांग्रेस की टीम को आशीर्वाद दोगे और कामों के साथ, ये जो आपके निजी काम है और वेलफेयर स्कीम्स के काम है वो भी ये साथ में करेंगे। देखो मुझे लगता है कि सीएम साहब ने और झाकड़ साहब ने और जो भी पैनल बना, क्योंकि ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन था तो इस टाइम क्राइटीरिया और था। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जी कि ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी होती है, कोई इलेक्टेड पॉलिटिक्स में आता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, कोई कहीं में आते हैं, तो इस बार प्रायोरिटी ये थी कि हम किसी तरीके से कांग्रेस की कॉरपोरेशन बनाएं ताकि हम लोगों का काम कर सकें, तो उस हिसाब से टिकटें मिली हैं। जो लोग रह चुके हैं वो ये नहीं है कि वो डिज़र्व नहीं करते, वो भी डिज़र्व करते हैं, मगर ये ज़रूर है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, कोई गवर्नमेंट में काम करेगा तो सबको एडजस्ट कर लिया जाएगा। एंड ऑब्जेक्टिव फिर मैं बता रहा हूँ कि सेवा करने का है, अगर सेवा करने का ऑब्जेक्टिव है, लोगों की मदद करने का ऑब्जेक्टिव है, तो वो कहीं भी रहकर किया जा सकता है। और सब लोग वैसे ही हैं, अच्छे हैं और पार्टी के साथ और शहर के साथ चलने वाले हैं, तो मुझे लगता है ये एक दो दिन में सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। मेरे को जी मार्च में कॉरपोरेशन मिली, इसी साल 2 महीने हमारा लॉकडाउन रहा और उसके बाद हमने काम किया। मैं फिर लोगों को एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि सिटी में 20 करोड़ के काम नहीं हो रहे हैं, सिटिंग में कम से कम जो मेरे विधानसभा हल्का है 350 करोड़ के करीब काम हो रहे हैं, विलेजेस भी हैं उसमें, उसमें 5 ब्रिजेस बन रहे हैं, ढाकी का ब्रिज बन रहा है, PWD के ही 30 करोड़ की रोड्स चल रही हैं, 120 करोड़ के सीवरेज के काम चल रहे हैं। तो अगर कॉरपोरेशन का देखा जाए, हाँ वो हमने 16-17 करोड़ के काम लगाए, वो एक्चुअली हमारे जून से शुरू होकर अब तक हमने करवाए हैं, तो कॉरपोरेशन जब हमने मिली है तभी कर सकते थे, उससे पहले के जो जवाब है वो मेयर साहब और उनकी टीम ही दे सकती है। थैंक यू।